वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथॉल। तो मेंथॉल जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आप सिंथेटिकली भी बना सकते हैं या फिर आप कॉर्न मिंट, पेपर मिंट या फिर किसी अदर मिंट को के ऑयल से भी स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, वाइल्ड मिंट जिसे कि मेंथा आर्वेंसिस कहते हैं, आपका प्राइमरी स्पीसीज है मिंट का, जो कि आपको नेचुरल मेंथॉल क्रिस्टल्स बनाने के लिए यूज होता है और या फिर नेचुरल मेंथॉल फ्लेक्स उससे आप बना सकते हैं। ठीक, मेंथॉल जो होता है वो आपको सॉल्युबल होता है इथेनॉल, डाइएथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, हेक्सेन और स्लाइटली सॉल्युबल होता है आपका वाटर में। आइसोलेशन में बेसिकली हम जो मेंथा पाइपरीटा के लीव्स होते हैं, मतलब जब ये मेंथा पाइपरीटा आपको फ्लावरिंग उसमें नहीं आई है उससे पहले उसके लीव्स का हम कोर्स पाउडर करते हैं और फिर उसके एक एक्यूरेट वेइंग क्वांटिटी लेते हैं। वाटर डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम उससे पेपरमिंट ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस ऑयल को सेपरेट करते हैं और उसको कूल होने देते हैं। जब वो कूल होता है तो आपको मेंथॉल के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो उससे सेपरेट हो जाते हैं। उन क्रिस्टल्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू कलेक्ट करते हैं और फिर उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं आपको एसीटोन में डिजोल्व करके या फिर कोई भी अदर लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट में डिजोल्व करके, और उसके बाद जो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं वो आपके मेंथॉल के क्रिस्टल्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मेंथॉल के क्रिस्टल्स को, के कुछ क्रिस्टल्स को हम 5 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं और ये नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो आपका 300 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में 1 ml नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक, फिर इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं वाटर बाथ पे, तो 5 मिनट्स के अंदर आपको लिक्विड जो होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फर्दर हीटिंग पे आपको कॉपर कलर का फ्लोरेसेंस दिखाता है और जो कुछ देर बाद आपका गोल्डन येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन का मेथड है कि आप क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब जिसमें कि आपका 1 ml प्लांट का एसेंशियल ऑयल है उसके अंदर आप स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। ठीक, उसके बाद उसको कूल करते हैं और उसमें 1 ml डाइएथाइल ईथर ऐड करते हैं। उसके बाद आप जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन फॉर्म हो के अंदर आपको एक येलो रेसिड्यू का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टेस्ट है वो है कि हम क्या करते हैं कि 10 mg क्रिस्टल लेते हैं मेंथॉल का, फिर इसको डिसॉल्व करते हैं आप 4 drops ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। उसके बाद उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स वेनिलीन H2SO4 रिएजेंट का डालते हैं, तो क्या होता है कि येलो ऑरेंज कलर पहले अपीयर होता है, जो कि आपका फर्दर जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालते हैं तो वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका मेथड है आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस का थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, 1 mg ऑफ मेंथॉल को डिसॉल्व करते हैं 1 ml ऑफ मेथनॉल में। थर्ड फेज में हम सिलिका जेल जी प्लेट लेते हैं, डिटेक्टिंग एजेंट जो होता है वो 1% वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट होता है और जो मोबाइल फेज है वो आपका क्लोरोफॉर्म है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सिलिका जेल प्लेट जो होती है उस पे हम एक स्पॉट लगाते हैं आपके सैंपल का और फिर उसको एल्यूट करते हैं प्योर क्लोरोफॉर्म में। उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं इस प्लेट को और उसके ऊपर 1% वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट स्प्रे करते हैं और फिर उसको 110 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए उस प्लेट को हीट करते हैं। ठीक, हीट करने पे आपका स्पॉट जो होता है वो विजिबल हो जाता है। नॉर्मली मेंथॉल आपको RF वैल्यू देता है 0.48 से 0.62 अगर आप नॉर्मल चैम्बर सैचुरेशन में 24 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। तो ये था अबाउट आपका मेंथॉल के आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।